वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहां बिठाया है, उनके लिए है। कईयों के दिमाग में आशंका रही है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेजिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा। नाउ कमिंग टू प्लेज, आपने देखा कि पिछले कई दिनों में प्रोटेस्ट, आर्सन, वायलेंस, उसके लिए कोई जगह नहीं है। अंडरटेकिंग नॉट प्लेज कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, पुलिस वेरिफिकेशन हमेशा होती थी, सिर्फ बिकॉज तीन चार दिनों में ये आर्सन और वायलेंस देखा गया इसलिए इसकी प्लेज और अंडरटेकिंग हम लेंगे। जो सर्विसेज ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कोई बदली नहीं हुई है, इसके बारे में विस्तार से रिस्पेक्टिव सर्विसेज के लोग बताएंगे। सिलेक्शन सिस्टम, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। मैं दोहराना चाहूंगा कि आज भर्ती होने के लिए हर एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सिलेक्ट होता है, तो 49 से 59 लोग वापस जा रहे हैं। तो हमको जरूरत क्या है? हमको जरूरत है देश के लिए बेस्ट लेने की। ये वी कैन नॉट टेक द सेकंड बेस्ट। हमारा जो काम है वो सेकंड रनर्स अप सिल्वर मेडल से नहीं चल सकता। ट्रांसपेरेंट होगा ये प्रोसेस, फेयर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सेंट्रली मेंटेन्ड होगा। कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि आप कमांडिंग ऑफिसर्स को इसका जिम्मा दे रहे हैं। देखिए, आज भी कमांडिंग ऑफिसर जो जमीन के ऊपर है, आगे तैनात है, वो आज भी अपने हर एक यंग जो जवान है उसका, उसके ऊपर लिखता है, बैठ के लिखता है कि ये कैसा बनेगा, आगे क्या होगा, इसको मुझे मिसाइल ट्रेनिंग देनी है या इसको रडार ट्रेनिंग देनी है। वो ये सब काम कर रहा है, ये उसका काम है। बट इन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव सिस्टम बनाएगा, इसको सेंट्रली मेंटेन करा जाएगा, सो दैट हम सीओ को इस सिलेक्शन के अंदर उसकी इनपुट लेंगे जो ऑब्जेक्टिव होगी। बट कौन सिलेक्ट होगा ये एक बोर्ड डिसाइड करेगा। देखिए, अग्निपथ इंप्लीमेंटेशन के लिए फोर्सेस को एम्पावर करा गया है, इसमें प्रावधान रखे गए हैं सेफगार्ड्स के लिए जब भी जरूरत पड़ी। और प्रावधान के लिए हमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसमें जो छोटा मोटा बदलाव है कर सकते हैं। फोर्सेस के अंदर आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है। हमारी ओनरशिप इस स्कीम के लिए 100% है एंड ये स्कीम एक बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है बिकॉज इसको कई देर से सोचा गया है। एक आदमी ने नहीं सोचा, एक औरत ने नहीं सोचा, बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया, जैसे कि मैंने आपको मंथन में बताया। इन द एंड हमको बेस्ट चाहिए, एंड क्यों बेस्ट चाहिए? बिकॉज देश की रक्षा का सवाल है। हम चाहते हैं कि अग्निवीर सर्व करे, उसको सिस्टम सपोर्ट करे। अगर कल को, आज से 4 या 5 साल बाद अग्निवीर अगर कहीं बाहर लड़े में मिलेगा, उसे परमवीर चक्र मिलेगा और आप उसके गवाह होंगे। उसमें कोई किस्म की अलग नहीं है, वो बिल्कुल हमारे साथ अगर लड़ेगा तो उसको वही चीजें मिलेंगी जो हमें आज मिल रही हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो और कोई किस्म की चीज हो। सो गैलेंट्री अवार्ड्स, देश की भक्ति का चांस हम दे रहे हैं सब युवकों को। सो ये देशभक्ति का चांस मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये युवक अपने हाथ से ना जाने दे। अग्निपथ एक टैलेंट अट्रैक्ट करने की हमने स्कीम बनाई है सो दैट वी गेट द बेस्ट। एंड इसके साथ मैं चाहूंगा कि एक लाइन आप याद रखिएगा कि देशभक्ति या फौज में काम करना एक जुनून है, एक जज्बा है, ये एक नौकरी के लिए प्रावधान नहीं है।